अब अगर राम जी अयोध्या से इतनी दूर आए नहीं तो सिर्फ दीप थोड़ी ना जलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि। देखिए गाइस, यहाँ पे मम्मी डेकोरेट कर रही हैं पूरा, कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मम्मी इतना अच्छा डेकोरेट करेंगी। ये फ्लावर से इसमें मैंने पानी डाल दिया, देखो पानी लाई थी, पानी डाल दी हूँ। और रात को ये जलेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा, रात को देखना है, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाया जाएगा। और ये देखो, ये देखो कितना सुंदर है, मैंने मीशो से मंगाया था, ये भी मीशो से मंगाया था, इसको भी मीशो से, ये पिछले साल मंगाया था और ये इस साल मंगाया था मैंने। तो देखो हो गया, फ्लावर हो गया है। देखिए दोस्तों, ये सब साफ सफाई हो गया है मंदिर का। और देखिए इधर माता लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणेश जी की है प्रतिमा यहाँ पे, तो पूजा करूँगी मैं इन लोगों की। देखिए सब साफ सफाई हो गई है, जहरा जल रहा है, अभी तो दिन में ही जल रहा है, अभी दिन ही है। और इधर सबकी सजावट हो गई आज, और अभी नए वस्त्र तो मैंने नहीं पहना है, पहनाऊँगी। और इधर देखिए ये सब सामान आया है, फूल माला नारियल, ये सब जितना है सब चढ़ाने वाला ही सामान है। तो इधर एक साइड कर दिया है मैंने, दिया वगैरह भी था तो सब धूल डाल के रख दिया है साफ सुथरा करके। और हम लोग भी नहा धो लिए हैं, और अभी तो घर के कपड़े में ही है हम लोग, अभी घर के ही कपड़े में हम सभी। इतनी सुंदर लग रही है माता जी, ऊपर झालर भी जल रहा है। और हमारा पुराना वाला मंदिर ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जगह है ऐसे अलमारी में रखने के लिए, क्या ट्रांसफ़र वाला जॉब, हर साल रूम चेंज करना पड़ता है, तो कभी कहीं मंदिर कभी कहीं मंदिर। और देखिए पूरा दीवार पे डिजाइन बना हुआ है पीछे। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी तैयारी के बाद। और अभी आपने पूजा के पहले का वीडियो देखा था, और ये देखिए ये पूजा के बाद का है, पूजा के बाद मतलब कि भोर का है ये, तो उस समय का वीडियो है। बाकी जो पूजा के समय कैसा लग रहा था वो तो हम आपको उसमें भी आगे दिखाएंगे वीडियो में, तो ब्लॉग में बने रहिए। देखो पापा की सेवा करते हुए बच्चे, कौन जीत रहा है? सानवी तेज तेज दबा रही है, अभी तेज तेज दबाओ। अरे वाह बढ़िया दबा रहा है, वाह सानवी वेरी गुड बेटा। नहीं दबा जाता है मगर सानवी भी दबाना चाहती है। आप 100 तक दबाए, वेरी गुड, हो गया सानवी, रहने दो, हम तो ऐसे ही कह रहे थे यार, तुम को थोड़ी ना दबाने के लिए कहेंगे यार, मेरी रानी बेटी है, मेरी रानी बेटी है, ये मेरा राजा बेटा है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की, आज दिवाली। अच्छा हाथ जोड़ के हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सभी लिए। देखिए हमारे बच्चों के ड्रेस आए हैं, ये सिवाय का है और ये सानवी का आया है, और ये मेरी न्यू साड़ी जो मेरे पति देव ने बर्थडे में दी थी, मैंने सिलवा लिया है। मैं आप लोगों को एक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए सानवी गेट पे आ गई, कपड़े चेंज कर लिए पटाखे जलाने के लिए, ये कपड़े चेंज कर लिए, और रंगोली कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मेरा है ड्रेस, ये बहुत अच्छा है। आप क्या कर रहे हो शिवाय? मैं पूजा कर रही हूँ। अच्छा शादी का ड्रेस है ये, शिवाय अपना ड्रेस दिखाओ, बेबी बेबी बेबी।
तो हम सब रेडी होके आ गए हैं और देखिए अब पूजा शुरू होने वाली है, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद आगे एक दो मिनट हो सकता है ब्लॉग में आपको पूजा का भी वीडियो देखने को मिले, तो आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए आइए करते हैं लक्ष्मी गणेश का पूजन। गणपते नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, जय गणेश। यहाँ पूजा में जो ये कटोरी और प्लेट दिख रहा है ये चांदी का, ये मेरी शादी के समय का है, तो मतलब 11 साल बाद आज फर्स्ट टाइम हमने इसको यूज किया पूजा में, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही रखा हुआ था। हैप्पी दिवाली, और सब ये देखिए है ऊपर से करके। चलो अब यहाँ की रंगोली में पहले मैं गया था एक हफ्ता, पूरी घूम के आया, पूरी और क्या कहते हैं, फ्राक और सिवाय बेबी बेबी वाले ड्रेस खरीदे हो, स्माइल करके दिखा सनी, देखो इधर देखो ये प्यारी सी रंगोली के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। देखिए दोस्तों अब सब कुछ हो गया और हमने खाना भी बहुत जल्दी कर लिया था। ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट था वो मैंने आज पहन लिया। तो हमारा ब्लॉग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सभी को हमारे दिव्या भोजपुरी एंड हिंदी ब्लॉग्स की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और हमारे ऊपर भी बनी रहे। थैंक यू। तो ये रहा हमारा दिवाली का ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। इधर सिवाय क्या कहना चाहोगे? क्या कर रही है आंटी? क्या कर रही है बोल तो सही। मम्मी मेरे पापा से ना और मैंने यहाँ कोई आतिशबाजी की वीडियो ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर इसलिए मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं है। और ये देखिए सिंपल सी फुलझड़ी, मैंने ज़्यादा नहीं, दो तीन अनार और ये सब फिर थे। तो मिलते हैं आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।